इवनिंग, दिस इज उमंग तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय टुडे सेशन। 19 मार्च 2020 को शाम को 7:30 बजे मैं आपके सामने आ गया हूँ। लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम चैनल पर मेरा ये सेशन चल रहा है। आप सभी का वेलकम करता हूँ, यू ऑल आर वेलकम टू दिस सेशन। लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम ये चैनल है। आयुष त्रिपाठी हैज कम टू द सेशन। वेलकम आयुष, हेलो। तो मेरा ये सेशन आपके सामने चल रहा है लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम का। सीएचएसएल की करंट अफेयर्स में आपके लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। सीएचएसएल के करंट अफेयर्स के लिए मेरा ये क्लास चल रहा है आपके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट नेचर की करंट अफेयर हम लोग ऑलरेडी जो है वो कंसिडर कर चुके हैं। लगभग 500 क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ, लगभग 500 क्वेश्चंस में आपको करा चुका हूँ। सो अभी हमारे लिए टाइम है आज के अपने अगले क्वेश्चन को करने का। अगला जो हमारा वेरी गुड इवनिंग गोविंद पांडे, माणिक माने, पूजा शर्मा, कविश कनक, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। And this is the new portal which on which I am working today. So let me give some time कि मैं उसको जो है थोड़ा सा go through हो जाऊँ। चलिए, let's crack SSC and railways channel पर आप मेरे साथ चल रहे हो। मेरे साथ साथ आपको पढ़ा रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जनरल स्टडीज हो, इंग्लिश हो, सभी के लिए टॉप एंड रिनाउंड एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। यशपाल सर वेरी गुड इवनिंग, फिरोज अंसारी वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं उमंग तिवारी, मैं आपके साथ रोज सुबह क्लास लेता हूं। जीएस और करंट अफेयर्स का मेरा क्लास होता है आपके साथ। सुबह 9 बजे मैं आपके पास आता हूँ, सुबह 9 बजे जो है वो मैं आपके पास आता हूँ। मैंने खुद भी जो है एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी के कई एग्जाम दिए हैं। बायोलॉजी कौन रीड कराता है? बायोलॉजी फायफिरोज जी जो है वो आपकी जीएस में साइंस के पोर्शन में ही कवर कराई जाएगी। इम्प्रोवाइज अप्रोच हम लोग यूज कर रहे हैं। और अभी सभी एक जो लेटेस्ट अभी न्यूज आई है आप सभी को जो है वो पता चल गया होगा कि सीएचएसएल का फ्यूचर जो एग्जाम आपका होंगे 20th of March से वो पोस्टपोन हो गए हैं फिलहाल, कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से एग्जाम जो है वो आपका पोस्टपोन हो गया है। आप लोग कहें तो मैं आपको स्क्रीन पर भी जो है वो शेयर करके दिखा सकता हूँ। एसएससी के वेबसाइट पर जस्ट अभी जो है मैसेज आया है थोड़ी देर पहले, और अनअकैडमी ने भी जो है वो आपको बता दिया है इस बारे में। तो सभी लोगों को एक बार मैं ये न्यूज जो है वो दिखा देता हूँ। जूम्ड ये डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिए, आप सभी के सामने ये चल रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये न्यूज है, और एज पर प्रिकॉशनरी मेजर इन व्यू ऑफ द इमरजेंट सिचुएशन ड्यू टू COVID-19 इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कमीशन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट टू पोस्टपोन द ऑन गोइंग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन Tier 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 20 मार्च 2020, यानी 20 मार्च से जो है वो एग्जाम आपका जो है पोस्टपोन हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पर आप मेरे साथ हो। एंड अकेडमी आपके लिए लेकर के आ रहा है 20,000 hours की, 20,000 hours की जो है वो क्लासेस लेकर के आ रहा है एंड अकेडमी आपके लिए। आप सभी इन क्लासेस को अटेंड करिए, खुद को बेनिफिट करिए। अनअकैडमी का ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अनअकैडमी के ऐप को आप इंस्टॉल करिए। और प्राइसेस जो है वो बहुत लो हैं, प्राइसेस आर वेरी लो। आपको सिर्फ जो है 6,480 rupees में, 6,480 rupees में जो है वो आपको क्लासेस मिल रही हैं। 2 years का सेशन है आपका 6,480 rupees का, यानी 10 rupees पर डे से भी कम में आपको ये क्लास करने का मौका मिल रहा है। मैं हूं उमंग तिवारी, मैं आपके लिए 30 questions आज लेकर के आया हूं। 30 आज वाला कैंसिल नहीं होगा लवकुश कनौजिया जी, आज वाला एग्जाम आपका ओके है। 17, 18 और 19 को जिन लोगों ने पेपर दिया है उनका जो है एग्जाम ओके है। पोस्टपोनमेंट जो हुआ है वो आपका 20th of March के आगे के एग्जाम का हुआ है, 20 मार्च से आगे के जो आपके एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी मेरे जो है हाँ स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नेम द इंडियन बिजनेस वुमेन हु टॉप्ड अमंग द वुमेन इन द इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, यानी भारतीय व्यापारी महिलाओं का नाम उसमें से कौन है जिन्होंने इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड की वेल्थ हुरून इंडिया लिस्ट में महिलाओं में
शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे जो है वो रही सबसे अमीर महिला जो है वो कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने आ गए, आप लोग कमेंट में ही मुझे आंसर दोगे। ए नीलम धवन, बी रोशनी नादर, सी किरण मजूमदार या फिर डी स्मिता वी कृष्णा। इसका जो है आंसर आप लोगों को मुझे देना है, बताइए। किरण मजूमदार शो का नाम निकल के आ रहा है, मलय साहू नहीं, किरण मजूमदार सही आंसर नहीं है। गोविंद पांडे का भी आंसर गलत है, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। बताइए नीलम धवन, रोशनी नादर, स्मिता वी कृष्णा, इन तीनों में से कौन सा सही आंसर आपको लगता है? कोई दिक्कत नहीं है आयुष त्रिपाठी जी, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है फैजान अजमेरी, बच्चे हैं, बोलने दीजिए। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, मुझे भी इतना ही दुख है जितना कि फैजान अजमेरी जी को है। बी आंसर आया है, जगदीश प्रसाद का आंसर आया है बी, और बी जो है वो सही आंसर है। रोशनी नादर जो है वो चुनी गई है सबसे रईस महिला। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि IIFL का जो वेल्थ हरून इंडिया लिस्ट है, वेल्थ हरून जो इंडिया लिस्ट है उसमें रोशनी नादर जो है वो आपकी फर्स्ट प्लेस पर रही है। सेकंड क्वेश्चन पर आप लोग आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज का जो मेरा चैप्टर है आपका वो पर्सन इन न्यूज के ऊपर है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इनलैंड। अगर आप लोग चाहें तो मैं जूम भी कर सकता हूं, अगर आप लोग को साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, अभी ओके है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? YN सुख थंकर, विष्णु सहाय, अमिता प्रसाद या फिर SS खेड़ा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवेज के बारे में आप सभी जानते हैं, इनलैंड वाटरवेज जो होते हैं आपके, यानी हमारे जो अंतरदेशीय जलमार्ग है, यानी नदी जलमार्ग जो है, नदी जलमार्ग आपके जाने जाते हैं इनलैंड वाटरवेज के नाम से। तो जैसे गंगा नदी है, जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी आपका बनारस से और झरिया तक बंगाल में जो है वो बनाया गया है एक इनलैंड वाटरवे। तो इसका आंसर आ रहा है बी, विष्णु सहाय आंसर निकल करके आ रहा है। कोई और अगर आप में से मुझे आंसर देना चाहे तो बी में जेना जी आपको बता दूं, बी जो है वो गलत आंसर है। इसका सही आंसर है सी, अमिता प्रसाद जो है वो इसका सही आंसर है, अमिता प्रसाद सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। और मैं जरा चेंज करूंगा क्योंकि ये पोर्टल जो है वो सही नहीं है, इस पे पेन मेरी सही नहीं चल रही है, गिव मी अ मिनट, इसको मैं चेंज करता हूं जरा। यस, अभी आप सेकंड क्वेश्चन पर आइए, ये पोर्टल थोड़ा सा सही चलता है। इसका मैंने आपको आंसर बताया, सेकंड का आंसर है सी, अमिता प्रसाद। अमिता प्रसाद जो है आपके चुनी गई हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। पी के मिश्रा, गाजल दांदोटिया, मणिक माने, आई वेलकम यू बोथ ऑन द सेशन। पी के मिश्रा अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर PMO, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है पी के मिश्रा को प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन से पद पर नियुक्त किया गया है? पी के मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड ऑन विच पोस्ट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? ज्वाइंट सेक्रेटरी टू PM, सेक्रेटरी टू PM, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD, इसको हम स्मॉल में बोलते हैं OSD। तो पी के मिश्रा को कौन से पोस्ट पर नियुक्त किया गया है? महाप्रसाद जेना और गौरव चौधरी का आंसर आ रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी टू PM। कोई और आंसर आप में से देना चाहेगा इस क्वेश्चन का? एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? काजल दांदोटिया का आंसर बी है, सेक्रेटरी टू द PM। उद्धव गंजई जी का आंसर है डी, उद्धव गंजई जी का आंसर है डी, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी।
और किसी का आंसर डी है, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर डी। तो बाकी सभी के आंसर गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। पी के मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्रधानमंत्री के कार्यालय में पी के मिश्रा जी को जो है वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। शलीजा इस्लामी, मैं इसको जूम कर देता हूं, शलीजा धामी हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट फीमेल, यानी शलीजा धामी जो है वो भारत की पहली क्या बनी है, कौन सा पद जो है उनको मिला है, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट या फिर फ्लाइट कमांडर। ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट या फिर फ्लाइट कमांडर, कौन सा पोस्ट इनको मिला है। डी आंसर आया है कामिनी भीमटे जी का, डी आंसर है गोल्डन जोन का, बी आंसर है। तो गोल्डन जोन में बता दूं, बी जो है वो आपका आंसर गलत है, बी इज द रॉन्ग आंसर। फ्लाइंग ऑफिसर के पोस्ट पर नहीं आई है, फ्लाइंग कमांडर काजल दंडोटिया और अमलेश कुमार, कामिनी बामटे, जगदीश प्रसाद, सरफराज खान, आप सभी का आंसर सही है, फ्लाइट कमांडर इज द करेक्ट आंसर। फ्लाइट कमांडर बनी है शलीजा धामी। फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी फॉर द नेक्स्ट वन ईयर। सीबीडीटी का यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अगले एक वर्ष के लिए, प्रमोद चंद्र मोदी, सुशील चंद्रा, अतुलेश जिंदल या फिर अरुण कुमार जैन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी बताइए। महाप्रसाद थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू महाप्रसाद, थैंक यू यशपाल सर, आप दोनों लोग, आप सभी को मैं थैंक यू बोलता हूं। बी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, डी आंसर आ रहा है प्रमोद चंद्र, आंसर आया है काजल का, यानी कि ए। तो ए जो लोग आंसर दे रहे हैं, आयुष त्रिपाठी का भी ए आंसर आया है, आप सभी को मैं बता दूं कि ये ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। प्रमोद चंद्र मोदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सिक्स क्वेश्चन पर आइए बहुत जल्दी से, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, फिक्की, FICCI का प्रेसिडेंट जो है वो इनमें से 2018-19 के लिए किसको चुना गया था। 18-19 की बात कर रहा हूं मैं, आप यहां पर जो है वो ध्यान दीजिएगा, संगीता रेड्डी, संदीप सोमनी, उदय शंकर या फिर सुरेश पटनायक। FICCI का चेयरमैन जो है वो किसको चुना गया था, संगीता रेड्डी, संदीप सोमनी, उदय शंकर या फिर सुरेश पटनायक। आपकी कंफ्यूजन की लेवल बढ़ गई है। कोई बात नहीं मैना जी, कोई दिक्कत नहीं है, संगीता रेड्डी आंसर आ रहा है कुछ लोग का, मैं बता दूं संगीता रेड्डी जो है वो गलत आंसर है। सी आंसर आया है अगर उदय शंकर, ये भी गलत है, सही आंसर आपका है संदीप सोमनी। संदीप सोमनी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, संदीप सोमनी बने हैं फिक्की के नए प्रेसिडेंट। हु इज द फर्स्ट हिंदू वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसको रखूंगा और आप लोग भी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू न्यायाधीश कौन है, अनूश चौधरी, सुमन कुमारी, अरुणिमा सिन्हा या फिर रोमा बताइए। अनूश चौधरी, सुमन कुमारी, अरुणिमा सिन्हा या फिर रोमा। अरुणिमा सिन्हा आंसर आ रहा है, अंकित मीणा जी का आंसर अरुणिमा सिन्हा है। अंकित जी मैं आपको बता दूं ये आंसर जो है वो आपका गलत है, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। डी आंसर आया जगदीश प्रसाद का रोमा, ये भी गलत आंसर है, सही आंसर है सुमन कुमारी, सही आंसर है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी इज द फर्स्ट हिंदू जज ऑफ पाकिस्तान। चलिए एट्थ पर आइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आफ्टर मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जो कि आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले, जो कि गोवा के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, उससे पहले रक्षा मंत्री रह चुके थे, उनके बाद गोवा का मुख्यमंत्री कौन बना है, कौन मुख्यमंत्री बना है गोवा का मनोहर पर्रिकर के बाद, सुदिनी दविकर, विजय सरदेसाई, प्रमोद सावंत या फिर श्रीपद नायक। ए बी सी या डी। सी आंसर आ रहा है प्रमोद सावंत, काजल दंडोटिया का आंसर सी है, पांडे जी, गोविंद पांडे जी का आंसर डी है, डी जो है मैं बता दूं गोविंद जी आपका आंसर सही नहीं है, श्रीपद नायक नहीं बने हैं,
सी जिनका आंसर है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आफ्टर मनोहर पारिकर। और मनोहर पारिकर के बारे में आप जानते हैं कि बहुत एक अच्छे लेजिस्लेटर थे वो, और गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे, और उससे पहले हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे थे। Who has been appointed as India's first लोकपाल? इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है कैटेगरी में डालिए। भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विनोद राय, बी पिनाकी चंद्र घोष, सी दीपक मिश्रा या फिर डी टी एस ठाकुर। ए बी सी डी, विनोद राय, पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा या टी एस ठाकुर। पिनाकी चंद्र आंसर आ रहा है, काजल का, अंकित मीणा का, सुशांत का, गोल्डन, ज्योति, कामिनी ज्योति, सभी का आंसर सही है, ज्योति मिश्रा, हेलो। तो पिनाकी चंद्र घोष जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, फर्स्ट ओम्बड्समैन जो है वो इंडिया के नियुक्त किए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। टेंथ क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज इंडिया फर्स्ट वुमेन डीजीपी, शी वॉज फ्रॉम विच स्टेट। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो कि इंडिया की जो है पहली महिला डीजीपी थी, वो अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, कौन से राज्य से वो संबंधित थी, कौन से राज्य से वो संबंधित थी? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी पंजाब। टेंथ का आंसर दीजिए जल्दी से। गोल्डन जोन का आंसर ए आया, यानी कि गुजरात, में बता दूं गलत आंसर है। गोविंद पांडे जी का आंसर सी है, मैं आपको बता दूं गलत आंसर है। बी आंसर आया है, ये भी आंसर आपका गलत है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य बहुत ही रिनाउंड ये महिला थी, पहले भी मैंने आपके साथ ये कवर किया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखने ही रखिए कि वो जो है पंजाब से संबंधित थी। कंचन चौधरी जो भट्टाचार्य है पंजाब की, में जो है पंजाब पुलिस में उन्होंने सेवा करी थी, उसी स्टेट से वो संबंध रखती थी। अभी आप आइए 11th क्वेश्चन के ऊपर। ऑन अगस्त 26, 2019 Whose 109th birth anniversary was celebrated? 26 अगस्त 2019 को किसकी 109वीं जयंती जो है वो मनाई गई थी? किसकी 109वीं जयंती 26 अगस्त 2019 को मनाई गई? आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ऑप्शंस में आप देख ही रहे होंगे, मैडम क्यूरी, क्वीन एलिजाबेथ, मदर टेरेसा या फिर सरोजनी नायडू। 11th क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए, बताइए। काजल दंदोटिया का आंसर मदर टेरेसा, जगदीश प्रसाद, कामिनी भीमटे जी का आंसर जो है वो डी है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो गलत आंसर है, मैं आपको बता दूं कामिनी जी। सी जिनका आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है उनका 109th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, आप में से कोई मुझे मदर टेरेसा का पूरा नाम बता सकता है? मदर टेरेसा का पूरा नाम क्या था? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द फुल नेम ऑफ मदर टेरेसा? बताइए फुल नेम ऑफ मदर टेरेसा क्या था? कोई आप में से बता सकता है? एंगीज गोंजाक्षे बोंजाक्षु। हाँ, काफी हद तक आपकी जो है स्पेलिंग सही है काजल जी, काफी हद तक जो है आपका स्पेलिंग सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो स्पेलिंग था वो था, मैं आपको बता देता हूं, एग्नेस, एग्नेस गोंगशा, जी ओ एन एक्स एच ए, एग्नेस गोंगशा बोजाक्ष्यू, बी ओ जे ए एक्स एच आई यू, एग्नेस गोंगशा बोजाक्ष्यू जो है वो इनका पूरा नाम था, और इनको हम मदर टेरेसा इस इनका जो है शॉर्ट में नाम था। कैलकटा में ये रहा करके जो है वो रही थी। मैसिडोनिया, मैसिडोनिया का इनका बर्थ था, नॉर्थ मैसिडोनिया का इनका बर्थ था, कोलकाता में ये रही थी। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, भारत रत्न से ये सम्मानित की गई थी, भारत रत्न, और ऑर्डर ऑफ स्माइल इनको मिला था, ऑर्डर ऑफ स्माइल, और गोल्डन ऑनर ऑफ नेशन, गोल्डन ऑनर ऑफ नेशन, इस तरीके के जो है पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था।
एग्नेस गोंगशा बोंजाक्षु, आप इस नाम को जो है वो याद रखेंगे, एग्नेस गोंगशा बोंजाक्षु, नॉर्थ मैसिडोनिया का इनका बर्थ था। चलिए ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ आइए। विच इंडियन अमेरिकन टीनेजर, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। विच इंडियन अमेरिकन टीनेजर हैज वॉन द 2019 साउथ एशियन स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट। स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट का आपने नाम सुना होगा कि स्पेलिंग जो है बच्चों से पूछी जाती है, बहुत टफ वो स्पेलिंग होती है। तो कौन सा भारतीय अमेरिकी जो है वो टीनेजर है, किशोर है, जिसने 2019 का साउथ एशियन इंडियन अमेरिकन टीनेजर जो अवार्ड है वो जीता है। इंडियन अमेरिकन टीनेजर है जिसने की साउथ एशियन स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट जीता है। श्यामंतक पायरा, नवनीत मुरली, काव्या कोपरैप या फिर ध्रुव गौड़, कौन जो है इसमें से वो टीनेजर है जिसने ये जो साउथ एशिया का स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट है वो जीता है। सामंतक पायरा, नवनीत मुरली, काव्या कोपरा या फिर ध्रुव गौड़। महाप्रसाद जेने जी का आंसर आया है बी, यानी कि नवनीत मुरली। ज्योति मिश्रा का आंसर बी है, काजल दांडोटिया का आंसर बी है, कामिनी भीमटे का आंसर बी है। इसके अलावा दो आंसर आए ए और डी, तो मैं आप लोगों को बता दूं ए और डी आंसर गलत है। सही आंसर है आपका नवनीत मुरली। नवनीत मुरली हैज वॉन द स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट ऑफ साउथ एशिया और वो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं। चलिए 13 क्वेश्चन पर थे हम लोग। 13 क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी। इंडिया के वो कौन से न्यायाधीश हैं, कौन से न्यायाधीश हैं जो कि फिजी, फिजी जो एक देश है आपका कैरिबियन में पड़ता है, फिजी के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है वो इनको नियुक्त किया गया है। ए आता है जगदीश सिंह खेहर, बी आता है जिसको हम शॉर्ट में जे एस खेहर कहते हैं, जे एस खेहर, बी आते हैं मदन बी लोकुर, सी आते हैं दीपक मिश्रा और डी आते हैं एच एल दत्तू। 13 का आंसर आप लोग मुझे दीजिए, कौन से वो इंडिया के जज हैं जो कि फिजी के, फिजी जो कंट्री है उसके सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। एच एल दत्तू आंसर आया है, एच एल दत्तू गलत आंसर है, मैं आपको बता दूं। क्लास का टाइमिंग जो है ज्योति मिश्रा जी, क्लास का टाइमिंग है 7:30 PM शाम को 7:30 बजे और सुबह 9 बजे 9 AM मॉर्निंग। इस समय जो है आपका करंट अफेयर्स का एनालिसिस होगा और सुबह जो है वो हिंदू और PIB, हिंदू प्लस PIB का एनालिसिस होता है। ठीक है, मदन बी लोकुर इज द करेक्ट आंसर, काजल दंदोटिया ने और कई लोगों ने जो है वो सही आंसर दिया है। मदन बी लोकुर बी हैज बीन अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ फिजी। 14 क्वेश्चन पर आइए। लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मोहम्मद जहूर खय्याम पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉन। मोहम्मद जहूर खय्याम जो है बहुत एक मशहूर संगीतकार थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो 2011 में उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था, 2011 में जो है उनको एक पुरस्कार से नवाजा गया था, कौन सा वो पुरस्कार था। 14 क्वेश्चन पर आइए। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, बताइए। हाँ मिश्रा जी, ज्योति मिश्रा जी, एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है, एग्जाम जो है वो आपका पोस्टपोन हो गया है CHSL 2019 और 20 मार्च से आगे तक के एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं। 17, 18 और 19 का एग्जाम जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। सी आंसर आया है, सी आंसर आया है पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो जहूर खय्याम जी को मिला था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ऐश्वर्या पिस्से हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लेम अ वर्ल्ड टाइटल इन मोटर स्पोर्ट्स। ऐश्वर्या पिस्से को जो है विश्व खिताब में दावा करने वाली पहली महिला बनी है, वो कौन से जगह से संबंधित हैं, किस स्टेट से जो है वो संबंधित हैं, ए गुवाहाटी, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु या फिर डी हैदराबाद। गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद, बताइए ऐश्वर्या पिस्से कहां से संबंधित हैं। ज्योति मिश्रा का आंसर आया है सी, काजल का आंसर आया है सी, जगदीश प्रसाद का आंसर आया है सी। आप तीनों के आंसर जो है मैं बता दूं बिल्कुल सही है। बेंगलुरु की जो है वो आपकी
पहली महिला भारतीय बनी है जो उन्होंने ऐश्वर्या पिस्से बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं और उन्होंने मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड टाइटल जो है वो जीता है। चलिए 16 क्वेश्चन पर आइए। 16वां क्वेश्चन, टू विच कमिटी अधीर रंजन चौधरी हैज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी जो कि हमारे जो है वो विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, वो कौन सी कमिटी के जो है उनको चेयरमैन बनाया गया है? हाउस कमिटी ऑन रूल्स, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी या फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स? बताइए 16 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। बी किसका आंसर है? बी सभी साकिर बहरोनी जी सी आंसर दिया है, एस्टिमेट्स कमिटी गलत आंसर है, मैं आपको बता दूं। ज्योति मिश्रा का आंसर ये है, ये भी गलत है। जगदीश प्रसाद का आंसर ये गलत है। सही जो आंसर है वो है 16 का बी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के जो है वो चेयरमैन बने हैं अधीर रंजन चौधरी, और ये काफी देखने वाली बात है। लोक लेखा समिति जो कि एक बहुत बड़ी कमेटी होती है आपकी, 15+7 जो है वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, 15 आते हैं आपके लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से मेंबर, और टोटल जो है 22 मेंबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कमिटी होती है, और इस कमिटी का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो अधीर रंजन चौधरी, यानी कि आपके नेता प्रतिपक्ष जो है उनको चेयरमैन नियुक्त किया है। हु वॉज रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NAA, 2 साल के लिए इसका नया चेयरमैन जो है वो कौन नियुक्त किया गया है? नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, 2 वर्षों के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 17, ए अमित कुमार अग्रवाल, बी प्रणेश पाठक, सी एच राजेश प्रसाद या फिर डी बद्री नारायण शर्मा? बताइए ए बी सी डी में से क्या आंसर होना चाहिए? अमित कुमार अग्रवाल, प्रणेश पाठक, एच राजेश प्रसाद या फिर बद्री नारायण शर्मा? काजल दानोटिया का आंसर है बद्री नारायण। और कोई आंसर आप में से देना चाहते हैं? ज्योति मिश्रा जी ने बी आंसर दिया है, प्रणेश पाठक। जगदीश प्रसाद ने आंसर दिया है बी, मैं बता दूं बी जो है वो गलत आंसर है, और बद्री नारायण शर्मा जी को नियुक्त किया गया है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का नया चेयरमैन। चलिए 18 क्वेश्चन पर आइए। हु स्वॉर्न इन एज द 19th, ध्यान रखिएगा ये टर्म, हु स्वॉर्न इन एज द 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका रिसेंटली? कर्नाटका का 19वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो किसने शपथ ली है? ए डीवी सदानंद गौड़ा, बी जगदीश शेट्टार, सी बेयस येदियुरप्पा या फिर डी सिद्धारमैया? बताइए, ध्यान रखिएगा 19th चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं मैं। छितवाड़ गौरव कुमार जी ने आंसर दिया है डी सिद्धारमैया। सजल हल्दर और गोल्डन जोन सकेर बहरोनी, ज्योति मिश्रा, आप सभी ने आंसर दिया है सी। कामनी भीमटे ने भी आंसर दिया है सही। तो मैं आपको बता दूं कि बी एस येदियुरप्पा जो है वो 19th चीफ मिनिस्टर बने हैं दोबारा से कर्नाटका के। 18th जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे सिद्धारमैया, और उससे पहले जो 17th चीफ मिनिस्टर थे वो फिर से थे बी एस येदियुरप्पा। तो आप इस चीज को, इस फैक्ट को याद रखोगे। 19 क्वेश्चन पर आइए। नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम हु वॉज अपॉइंटेड रिसेंटली। यूनाइटेड किंगडम के भारतीय मूल के पहले गृह सचिव का नाम बताइए जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। प्रीति पटेल, नरेंद्र सिंह कपानी, एस चंद्रशेखर या फिर डी सलमान रश्दी? मैं बताता हूं इसका आंसर आपको, थोड़ा जल्दी से हम सेशन को रैप अप करेंगे। प्रीति पटेल, प्रीति पटेल जो है वो पहली जो है वो होम सेक्रेटरी बनी है, यूके की होम सेक्रेटरी बनी है और पहली महिला है भारतीय मूल की जो कि ऐसा उन्होंने किया है। नेम द इंडियन राइटर आर्टिस्ट एक्टिविस्ट एंड को फाउंडर ऑफ दलित पंथेर। दलित पंथेर जो आपका एक नाटक है उसके राइटर आर्टिस्ट एक्टिविटेड और को फाउंडर कौन थे जो कि रिसेंटली महाराष्ट्र में जो है वो उनका निधन हुआ?
दलित पैंथर, दलित पैंथर जो है उसका नाम था नाटक का, बहुत ही मशहूर वो एक नाटक था। बताइए, राजेश वर्मा, राजा ढाले, शिवानी भटनागर या रामचंद्र छत्रपति? बताइए, मैं बताता हूं 20 का जो आंसर है वो है राजा ढले। 20 का आंसर जो है वो है राजा ढले, बी। बी जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, राजेश, राजा ढले जो है उनको नियुक्त किया गया है। वो जो है पहले दलित पांथर के को-फाउंडर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेम द सुप्रीम कोर्ट जज हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल जज ऑफ द सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट, SICC। एक बहुत बड़ी संस्था होती है ये, सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के जज कौन नियुक्त किए गए थे, जो कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं? जस्टिस HL दत्तू, जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस दीपक मिश्रा या फिर जस्टिस TS ठाकुर? बताइए, 21 का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। एग्जाम रविंदर जी, अब कुछ कह नहीं सकते, अब तो जब तक आपका जो है ये कोरोना का चक्कर खत्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ये एग्जाम होगा, लेकिन आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। काजल दंदोटिया का आंसर सही आया है, बिल्कुल, जस्टिस AK सीकरी। जस्टिस AK सीकरी जो है वो नियुक्त किए गए हैं सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के जज, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज हैं। फर्नांडो टोरेस अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल इन जून 2019। फर्नांडो टोरेस जो कि एक रिनाउंड फुटबॉल प्लेयर हैं, जून 2019 में जो है उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया, संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के रहने वाले हैं, स्पेन, ब्राजील, जर्मनी या फिर कनाडा? बताइए जल्दी से, फर्नांडो टोरेस कौन से देश के प्लेयर हैं? जर्मनी आंसर आ रहा है, जर्मनी में बता दूं गलत आंसर है। बी आंसर आ रहा है ब्राजील, ब्राजील भी गलत आंसर है। 22 का आंसर है आपका स्पेन, स्पेन का प्लेयर है आपका फर्नांडो टोरेस, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है। 23rd क्वेश्चन पर आ जाइए, हु हेडेड, महाप्रसाद जेना जी ने सही आंसर दिया, काजल ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। हु हेडेड द 8 मेंबर पैनल ऑन MSME? MSME के ऊपर जो आपका अभी एक पैनल बनाया गया है RBI के द्वारा, RBI ने जो है अभी एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है MSME के ऊपर, उस पैनल के हेड जो है वो कौन थे? हु हैज बीन द हेड ऑफ दिस पैनल? सखा राम सिंह यादव, रंजीत सिंह, यूके सिन्हा, AS किरण कुमार? 23rd का आंसर बताइए। MSME के जो ऊपर पैनल बनाया है अभी RBI ने, उसको किसने हेड किया है? मैं बताता हूं इसका आंसर आपका है यूके सिन्हा। यूके सुना जो है वो आपके MSME के ऊपर जो पैनल बना है उसके हेड जो है वो अपॉइंट किए गए। 24th क्वेश्चन पर आइए, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय IIT कानपुर? IIT कानपुर ने अभी हाल ही में जो है एक इंडियन शटलर को डॉक्टरेट दिया है, डॉक्टरेट दिया है IIT कानपुर ने। कौन सा वो प्लेयर है जिसको ये डॉक्टरेट जो है वो मिला है? श्रीकांत किदंबी, एस के श्रीकांत भी बोलते हैं हम इनको, के श्रीकांत के नाम से हम इनको जानते हैं, इनका पूरा नाम है किदंबी श्रीकांत। साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद या फिर PV सिंधु? डी आंसर आ रहा है कुछ लोग का, PV सिंधु। रविंदर कुमार का आंसर सी है, इसका जो आंसर है वो है आपका पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद को जो है वो आपका डॉक्टरेट दिया है IIT कानपुर, IIT कानपुर ने इनको कन्फर किया है, इनको कन्फर किया है डॉक्टरेट से, डीलिट। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सेट का मेरे से आपसे वादा किया था, 25th क्वेश्चन पर आप आ जाइए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस स्पाई एजेंसी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान ISI के बारे में आपने सुना होगा, तो इसका जो नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इसका फुल नेम है। इसके नए जो हेड है, इसके नए हेड जो है डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? रिजवान अख्तर, असीम मुंडीर, सैयद शाहिद हामिद या फिर फैज हमीद? 25th हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन नियुक्त किए गए हैं बताइए? काजल दांदोटिया, पुलेला आंसर आपका सही था, फैज हमीद जो है क्वेश्चन है एक्चुअली में, फैज हमीद यानी सी,
सी निकल कर के आ रहा है, बैटिंग राजा ने आंसर, महाप्रसाद और गोल्डन जोन ने जो है वो सी आंसर दिया है। और आप तीनों को मैं बता दूं कि 25th का जो सी आंसर है वो बिल्कुल ही गलत है। डी फैज हमीद जो है वो इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा आईएसआई के जो नए चेयरमैन आपके अपॉइंट किए गए हैं वो हैं फैज हमीद। तो ये मैंने आपको एक सेट कराया है और ये सेट आपका जो है कॉन्सेंट्रेटेड था पर्सन इन न्यूज के ऊपर, पर्सन इन न्यूज के ऊपर ये सेट जो है वो आपका मैंने जो है वो आपका फोकस किया था। और आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। यूट्यूब पर लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम ये चैनल है यूट्यूब पर, इसको आप सब्सक्राइब करिए और मेरे जो सेशंस हैं वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। वो सुबह चाहे 9 AM का सेशन हो, इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं द हिंदू और PIB, और सेकंड जो मैं आपके साथ सेशन डिस्कस कर रहा हूं शाम को साढ़े सात बजे जो है वो मैं आपके साथ करंट अफेयर्स का एनालिसिस लगाता हूं। और मेरी स्पेशल क्लास इस समय तो 1:30 पर चल रही है, 1:30 PM पर रोज चल रही है फिलहाल, ये अनअकैडमी प्लस पर ये क्लास चल रही है। आप में से जिन भी लोगों ने अनअकैडमी प्लस को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करिए, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा रेफरल कोड जो है, रेफरल कोड मेरा आप सभी लोग याद करिए रखिएगा, मेरा रेफरल कोड है, मैं लिख देता हूं लाइव यूटी, LIVEUT, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप जो है वो सभी लोग याद रखेंगे। और 6480 फॉर 2 ईयर, 1 ईयर एंड 1 मंथ, 1 ईयर एंड 1 मंथ के प्राइस में जो है वो आपको 2 ईयर का कोर्स मिलता है। लाइव यूटी रेफरल कोड आप याद रखिएगा, आपका फीस जो है वो ओनली 6480 हो जाएगा, 7200 जो आपका फीस है उसका आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जो है आप उसको फॉलो करिए। जेना जी मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, कैसे प्रिपेयर करूं? जेना जी जीवन का एक मंत्र जो है वो हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में हमेशा एक थॉट अपने दिमाग में रखिएगा कि कोई भी डिफ्लेक्शन जो है, कोई भी डिफ्लेक्शन अगर आपको आपके गोल से डिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो इसका मतलब आपका जो गोल है आपके कन्विक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। ये डिफ्लेक्शन जो है वो लाइफ में आते रहते हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, कई बार एग्जाम देने के बाद पेपर जो है वो लीक हो जाता है और एग्जाम कैंसिल हो जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, IBPS 2013 क्लेरिकल का जब मैंने दिया था, पूरे 10 दिन एग्जाम चला था, 10 दिन में 3-3 शिफ्ट हुई थी और केवल एक जो है वो शिफ्ट कैंसिल हुई थी और वो शिफ्ट मेरी थी, ऑल इंडिया लेवल पर केवल एक जो है वो शिफ्ट कैंसिल हुई थी एंड दैट शिफ्ट वॉज माइन, बट स्टिल आई डोंट लूज होप। और उसके बाद मेरा फर्दर जो है वो सिलेक्शन हुआ। और तो हो सकता है कई बार ये चीजें जो है वो अच्छी भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा बनाते हैं। अपनी मेहनत से आप किसी भी डिफ्लेक्शन को जो है वो अपनी तरफ मोड़ सकते हो, किसी भी डिफ्लेक्शन को जो है वो आप हरा सकते हो। एक लाइन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी में ये लाइन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, हमेशा इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा कि संकल्प में विकल्प का ना होना, ही संकल्प की सिद्धि है। ये लाइन जो है आप हमेशा याद रखिएगा। जो लोग हिंदी नहीं समझ पाएंगे उनको मैं बता देता हूं कि आपका जो संकल्प है, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उसमें आपके पास चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। आपके पास चॉइस नहीं होना चाहिए तभी आप जो है ये मान करके चलिए कि आपका टारगेट पूरा होगा। यू शुड नॉट हैव चॉइसेस इन योर convictions, then only your convictions will be जो है change into your achievement. Conviction जो है वो आपका achievement तभी बनेगा जबकि आप उसको जो है वो अपना पूरा target मान करके चले। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा और अपने आप को motivated रखिए। महाप्रसाद जी और सभी लोग जिनका की exam अभी होने से रह गया है, सभी लोग जो है वो अपने आप को motivated रखिए, अपने आप को जो है वो डिमोटिवेट मत होने चाहिए और लगे रहिए। अनअकैडमी के जो आपके टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी के कई के टेलीग्राम चैनल है उनको आप फॉलो करिए, यूट्यूब के लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम चैनल को आप फॉलो करिए। टाइपिंग जिनका नहीं हो पाया है उनको मैं बता दूं कि भाई साहब टाइपिंग आप तुरंत स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइपिंग, अच्छी टाइपिंग सीखने में
जो कि आपको एग्जाम क्लियर करवा पाए, कम से कम आपको 3 से 4 महीने का वक्त लगता है, 3 to 4 months चाहिए आपको टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो आप जो है वो टाइपिंग अभी से जो है प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, कीबोर्ड और कंप्यूटर वगैरह ले जाइए और कीबोर्ड पर आप उसको करिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्यूवर्टी कीबोर्ड जो होता है आपका, क्यूवर्टी कीबोर्ड, उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, लैपटॉप पर प्रैक्टिस मत करिएगा टाइपिंग का। और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, बिल्कुल भी डाउन मत फील होने दीजिए। डेफिनेटली आप सभी जो है अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई ना कोई आपको जो है एग्जाम मिलेगा जिसको आप क्वालिफाई करोगे 110%। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इसी जो है थॉट के साथ आज हम अपने सेशन को यहीं पर रैप अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दीजिए, अपने एंथुसियाज्म को जो है वो बना के रखिए और मेरे सेशन के साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को प्रिपरेशन भी कराऊंगा, अच्छे अच्छे चुटकुले भी सुनाऊंगा, आप लोगों को मोटिवेट भी करूंगा। बस आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखिए, आने वाले मौके के लिए हमेशा प्रिपेयर रखिए कि जैसे भी मौका आएगा आप तुरंत जो है उसको कब्जे में कर लोगे। ठीक है, तो ऑलवेज कीप योरसेल्फ रेडी एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।